अयोध्या में एक महीने से शहर के कैंट इलाके में दहशत बना तेंदुआ आखिर वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। गौरतलब यह है कि इस दौरान तेंदुए ने मानव जाति को नुकसान नहीं पहुंचाया और उसने शिकार में जानवरों को ही निवाला बनाया है। शहर के कैंटोनमेंट इलाके में रहने के कारण नर तेंदुए की दहशत पूरे शहर में फैली हुई थी। आलम यह था कि वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए कैंट इलाके के जंगल में 4 पिंजरे लगाए हुए थे, साथ ही उसको ट्रैक करने के लिए जंगल के अंदर 25 कैमरे भी लगाए गए थे जिनके माध्यम से तेंदुए की लोकेशन ट्रैक की जा रही थी। एक बार ऐसा भी हुआ जब तेंदुए ने पिंजरे में रखी बकरी का शिकार आसानी से कर चला गया और वह पिंजरे में पकड़ा भी नहीं गया। तेंदुए की फुर्तीलापन और चालाकी को देखते हुए शहर और वन विभाग में दहशत फैल गई है और उसके बाद सतर्क वन विभाग ने विशेषज्ञों की टीम बनाकर तेंदुए को पकड़ने का प्रयास तेज कर दिया। अयोध्या रेंज के DFO सितांशु पांडे का कहना है कि रात्रि 3 बजे के करीब नर तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ है। यह कैंट इलाके के हेलीपैड के पास लगाए गए पिंजरे में कैद हुआ है। इसको डॉक्टरी परीक्षण के बाद प्राकृतिक आवास श्रावस्ती बलरामपुर गोंडा स्थित सोहेलवा के जंगल में छोड़ दिया जाएगा। इस नर तेंदुए के पकड़े जाने के बाद से तेंदुए की दहशत जो शहर के अंदर थी वह समाप्त हुई है।